अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, रोज़े की हालत के अंदर दो काम करने से रोज़े यानी कि दो काम करने से कज़ा भी और कफ़ारा दोनों आते हैं। एक तो रोज़े की हालत में किसी ने जानबूझकर खा पी लिया तो कज़ा भी आएगी, कफ़ारा भी आएगा। इसी तरीके से रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स बीवी के साथ अजवाजी ताल्लुक़ कायम कर लेता है यानी कि हमबिसरी कर लेता है, इस सूरत के अंदर कज़ा भी और कफ़ारा भी आएगा। मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ, कफ़ारा क्या है, नुकसान क्या है। ये ग़ुलाम आज़ाद करे, ग़ुलाम का तो तसव्वुर नहीं है। फिर 60 रोज़े रखे लगातार, दूसरे नंबर पर क्या है, 60 रोज़े। यहाँ पर हम महीने के रोज़े नहीं रख सकते, 3 रोज़े नहीं रख सकते, वहाँ पर 60 रोज़े रखने कफ़ारा ये होता है। लगातार एक में मिस्टेक हो गई तो आपको दोबारा फिर नए सिरे से रखने पड़ेंगे आपको। तो 60 लगातार आपको रोज़े रखने हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आखिरी दर्जा उस वक्त है जब रोज़े ना रख सको, तो फिर आप 60 मिस्कीनों को जो है ना खाना खिलाओ, या एक मिस्कीन को 60 दिन तक सुबह शाम का खाना खिला दो, या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, ठीक है ना, सुबह शाम का, या फिर 60 मिस्कीनों को सदकतुल फितर के बराबर आप कोई चीज़ दे दो। तो ये है इसका कफ़ारा और ये है इसका गुनाह रोज़े की हालत में मिस्री करने का, ठीक है। हाँ, रोज़ा गुजर चुका है, अफ्तारी हो चुकी है, अफ्तारी से लेकर जब तक सहरी का वक़्त ख़त्म नहीं हो जाता उस वक़्त तक आप अपनी बीवी के साथ अजवाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। ये था आज का मसला, दुआ में।